क्लास। यस बेटा, आपके कोर्सेज कंप्लीट हो चुके हैं बेटा। एग्जाम्स आपके आने वाले हैं अप्रैल के सेकंड वीक से, और डिपार्टमेंट ने जो सैंपल पेपर इशू किया था वो हम आज डिस्कस करने लगे हैं आपसे। ये मैं पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ बेटा, आपका पेपर पैटर्न बिल्कुल वही रहता है जो 12th का है। दैट मीन्स ओके, चलिए लेट अस मूव। आज मैं आपसे सेक्शन ए डिस्कस करूंगी सैंपल पेपर का, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे बात करती हूँ कि पेपर पैटर्न क्या रहेगा। हालांकि मैं एक बार आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ, लेट मी जस्ट डिस्कस अगेन। आपके बेटा टोटल 14 क्वेश्चन आने वाले हैं, जो कि 3 सेक्शंस में बटे होंगे, ए बी सी। ठीक है, ए सेक्शन में आपके 6 क्वेश्चन होंगे, 6 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, ठीक है, और दैट मीन्स ये 12 मार्क्स का पोर्शन रहेगा। और 1 क्वेश्चन में एसेट सैंपल पेपर में चॉइस है, ये ऊपर नीचे भी हो सकता है। बी सेक्शन में आपके 4 क्वेश्चन होंगे बेटा 3 मार्क्स के, दैट मीन्स अगेन 12 मार्क्स, और इसमें 2 क्वेश्चन में चॉइस है बेटा एसेट सैंपल पेपर में। सी सेक्शन में भी 4 क्वेश्चन होंगे 4 4 मार्क्स के, और इसमें 1 केस स्टडी भी होगी, 1 में चॉइस है, 1 केस स्टडी। ठीक है, केस स्टडी में इस बार 2 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है, तो ये आपका टोटल क्वेश्चन 40 मार्क्स का होने वाला है बेटा। 10 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट है, जो आपकी फाइनल एक्टिविटी होगी और आपकी फाइल्स हो चुकी है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बेटा। अब सेक्शन ए के लूंगी आज मैं। यस, फर्स्ट क्वेश्चन वाज एवेल्युएट 2 × cos 22:1/2° cos 67:1/2°। क्वेश्चन 2 मार्क्स में है बेटा। देखिए बिल्कुल आई नो एंगल्स देख के कुछ बच्चे घबरा जाने वाले हैं, बट इसको ओवरव्यू दीजिए बेटा। ओवरव्यू 2 × cos A × cos B, आपको रिजल्ट्स याद हैं तो बिल्कुल आप एकदम रिकॉल कर सकते हैं ओवरव्यू देके। 2 cos A cos B क्या होता है बेटा? cos of A plus B plus cos of A minus B, राइट? A minus B। तो इसको बिल्कुल अप्लाई करिए इस क्वेश्चन में। A is nothing but 22:1/2°, that is 45 by 2 degree, और second angle is 135/2°। आप देखेंगे इसको अप्लाई करेंगे जब, cos 45/2 plus 135/2° plus cos 45/2 minus 135/2°। ओके, अप्लाई कर दीजिए रिजल्ट। दिस इज व्हाट, 180 / 2, दैट मीन्स 90°। कॉस 90° इज नथिंग बट 0। एंड सेकंड, दिस इज व्हाट, दिस इज -90/2, दैट मीन्स -45। और आपको पता है बेटे कॉस, रिजल्ट्स आपके बिल्कुल सभी याद होने चाहिए बेटा, तभी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का अच्छे से निकलता है। आपको बार बार कहती हूँ, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा। ठीक है, ये आपको रिजल्ट पता है। दिस इज नथिंग बट 0, दिस इज प्लस कॉस 45° एंड कॉस 45° इज नथिंग बट 1/2। ओके, तो यहाँ पर बिल्कुल आपके 2-3 रिजल्ट्स यूज हो रहे हैं, आपको सब याद होने चाहिए। ये आपका सबसे पहला फॉर्मूला, फिर यहाँ एक रिजल्ट यूज किया और यहाँ टेबल यूज किया। ठीक है, आपको रिजल्ट याद होंगे तभी अप्लाई कर पाएंगे बेटा। आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री का क्विज मैंने बना रखा बेटा। आई एम श्योर जो बच्चे रेगुलर उसको अटेम्प्ट कर चुके हैं वो मुझे मैसेज करते हैं, मैम इट इज वेरी हेल्पफुल। तो वो क्विज आप 2-4 बार अटेम्प्ट करेंगे बेटा, आपके फॉर्मूले अच्छे से पक्के हो जाएंगे। नहीं तो आपको बार बार बोला मैंने, स्टडी पार्टनर बनाइए, रोज अपने दोस्त को सुनाइए और उससे सुनिए, इससे अच्छा तरीका नहीं है बेटे। फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री से जितना ज्यादा घबराते रहोगे बेटा, 12th का भी कैलकुलस में बहुत कुछ ट्रिग्नोमेट्री आनी है, नॉट ओनली कैलकुलस, वेक्टर, 3D मैट्रिसेस में भी ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी, तो आप क्या करेंगे बेटा। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री के रिजल्ट अच्छे से याद होना बहुत जरूरी है बेटा, उसको करिए। जो भी आपको पैटर्न इजी लगता है, अच्छा लगता है, उससे करिए। क्विज भी आपको दे रखा है और आप अपने दोस्त को भी रोज सुना सकते हैं, सुन सकते हैं। ओके, रोज रिवाइज करिए 5-10 मिनट रिजल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
यस इसी के ऑप्शन में था बेटे, प्रूफ दैट sec square theta प्लस cos square theta इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4. यस sec square theta प्लस cos square theta, एज सच आप रिकॉल करें तो बेटा इनकी रेंजेस भी रिकॉल कर सकते हैं आप, अदरवाइज नहीं याद तो एटलीस्ट इतना जरूर याद रहता है कि साइन और कॉस की रेंज माइनस वन टू वन क्लोज इंटरवल है. तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, मैं बिल्कुल उनकी टर्म्स में बात कर रही हूँ जो बच्चे एटलीस्ट बिगनिंग तो जानते हैं अच्छे से. आप इसका फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, sec theta is 1 upon cos theta, cos theta is 1 upon sin theta. आप इसको यूज कर लो, LCM ले लो, sin square theta plus cos square theta upon cos square theta into sin square theta. sin square theta plus cos square theta आपको पता है बेटे 1 होता है, और डेनोमिनेटर में आप ओके लेट मी जस्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 4, 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, 4 से डिवाइड कर दूं, तो मैं बिल्कुल आप देखेंगे डेनोमिनेटर को मैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा होल स्क्वायर लिख सकती हूं, राइट. ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा था, 4 से मैंने मल्टीप्लाई किया जिसे 2 स्क्वायर लिख सकती हूं, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज साइन 2 थीटा, साइन स्क्वायर 2 थीटा हो गया बेटा, दैट मीन्स 4 कॉस एक्स स्क्वायर 2 थीटा, 4 cos x square 2 theta. अगर आप रिकॉल करें बेटा, ओके लेट मी जस्ट स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग, साइन की रेंज आप रिकॉल करो तो साइन की रेंज माइनस 1 टू 1 होगी, ओके दैट मीन साइन थीटा लेस देन इक्वल टू 1 होता है. cos x थीटा की बात करेंगे बेटा तो cos x थीटा की रेंज होती है r माइनस ओपन इंटरवल दिस, राइट. इसका मतलब क्या हुआ बेटा, cos x थीटा जो वैल्यू लेने वाला है वो वैल्यू लेने वाला है माइनस इंफिनिटी टू माइनस वन एंड वन टू इंफिनिटी, राइट. यही मतलब हुआ. और अगर स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर वैल्यू आपकी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू वन रहने वाली है, राइट. तो इसको यहां अप्लाई कर दें तो दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4 इंटू 1 कॉस एक्स स्क्वायर 2 थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 व्हिच इज 4 इटसेल्फ. That means आप बिगनिंग जहां से चले थे sec square theta plus cos square theta is nothing but greater than equal to 4. Greater than equal to 4. Okay? So that would be the answer. चलिए I hope it is clear. एक बात और सुन लीजिए बेटा, कई बच्चे समझते हैं सैंपल पेपर से बहुत कुछ होने वाला है. सैंपल पेपर इज जस्ट फॉर द प्रैक्टिस बेटा. सैंपल पेपर इज कि हाँ आपका पेपर पैटर्न कैसे रहने वाला है, अदरवाइज आपका ये कोई नहीं कह सकता कि क्या क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन आने वाला है. ये गलतफहमी मत पालिएगा कि आपके क्वेश्चन सैंपल पेपर से आने वाले हैं, वो तो आपको अपनी प्रैक्टिस सारी ही रखनी है. पेपर पैटर्न कैसे आने वाला है बस वो बात हो, ठीक है. चलिए सॉल्व दिस इनइक्वालिटी. अब इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी में पहले मैं बेसिक इनइक्वालिटी रिकॉल कराऊं बेटा जो इसमें यूज करनी है, जो आपको मैंने लिखवा भी रखी है 5-6 इनइक्वालिटीज. मॉडुलस एक्स लेस देन इक्वल टू ए, व्हाट डज इट मींस, दिस सिंपली मींस कि एक्स एक्चुअली लाइज बिटवीन माइनस ए एंड ए, राइट. मॉडुलस एक्स का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू ए, दैट मीन्स एक्स की एक्चुअल में वैल्यू माइनस ए और ए के बीच में लाई कर रही है, सिंपल बाय डेफिनेशन. बस इसी को अप्लाई करना है, मॉडुलस 3x माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 1 बाय 2, दैट मीन्स वी गेट माइनस 1 बाय 2 लेस देन इक्वल टू 3x माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 1 बाय 2, राइट. दिस मीन्स हमने इस इनइक्वालिटी को लिख दिया. अब ये माइनस टू हम यहां से हटाना चाहते हैं, दैट मीन्स प्लस टू करेंगे सब तरफ, माइनस वन बाय टू प्लस टू लेस देन इक्वल टू, ओके मैं यहां पर भी अभी प्लस ही कर देती हूँ, अदरवाइज बिल्कुल ट्रांसपोजिशन हम वैसे कर सकते हैं जैसे हम सिक्स से सीखते आ रहे हैं प्लस टू, ठीक है. ये कैंसल. अब ये हम मिडल में एक्स चाहते हैं बेटा, थ्री हटाना है मल्टीप्लीकेशन में तो डिवाइड करेंगे, बट पहले हम इसको कैलकुलेट कर लें. दिस विल बी 3/2 लेस देन इक्वल टू 3x लेस देन इक्वल टू 5/2, ठीक है. अब 3 हमने हटाना है यहां से तो सिंपली 3 से डिवाइड करेंगे हम सभी तरफ, 3/2 इंटू 1/3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 5/2 इंटू 1/3, ठीक है. एक मैंने आपको दोनों करके दिखा दिया, आपने सभी में कर दिया, 3 को आपने ट्रांसपोज किया दोनों से डिवाइड कर दिया. चलिए दिस विल बी
वन बाय टू लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू फाइव बाय सिक्स. दैट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू द क्लोज इंटरवल वन बाय टू टू फाइव बाय सिक्स. आई थिंक सिंपल लगा होगा बेटा ये क्वेश्चन, बट सिंपल ओनली वेन यू रिमेम्बर दिस. वेन यू रिमेम्बर दिस सीधा मॉडुलस ना हट जाए बेटा, ठीक है. मॉडुलस को हटाने के लिए टैक्टिक्स है हमारी. मॉडुलस मीन्स पॉजिटिव लिया हुआ है किसी नंबर का, तो हमने नेगेटिव पॉजिटिव दोनों काउंट कर लिया. ओके चलिए नेक्स्ट. हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ थ्री वॉवल्स एंड टू कॉन्सोनेंट्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड इनवॉल्यूट. इनवॉल्यूट वर्ड में जितने लेटर्स हैं उनमें से थ्री वॉवल्स एंड टू कॉन्सोनेंट्स. ओके चलिए वॉवल्स, अब इसमें इनवॉल्यूट में वॉवल्स देखें कितने हैं. आई ओ ई यू ई एस, सॉरी, ठीक है, चार वॉवल्स हैं और टोटल लेटर्स बेटे ये एट हैं. तो कॉन्सोनेंट्स आपके वो भी चार हो गए, फोर हो गए वो भी, ये एन वी एल टी. इनवॉल्यूट में ही लिखना था हमने, कॉन्सोनेंट्स भी फोर वॉवल्स भी फोर. लेकिन अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ थ्री वॉवल्स एंड टू कॉन्सोनेंट्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड इनवॉल्यूट. मतलब लेटर्स तो इसी वर्ड के लेने हैं, बट थ्री वॉवल्स लेने हैं, टू कॉन्सोनेंट्स लेने हैं. फाइव लेटर्स पहले चूज करने हैं, फिर उनसे वर्ड बनाने हैं. ओके तो ये आपके ऐसे क्वेश्चन बेटा मिसलिनियस में किए थे. ये आपके मिक्स टाइप क्वेश्चन है जहां पर आपका चूज और परमुटेशन, सिलेक्शन एंड परमुटेशन दोनों की बात होनी है. तो क्या होना है, ओके टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स लिखते हैं सीधा. फोर वॉवल्स हैं, उनमें से तीन का सिलेक्शन करना है हमने. तो कितनी बेस से होगा, फोर सी थ्री, ठीक है, फोर सी थ्री. अगेन फोर कॉन्सोनेंट्स हैं, उनमें से तीन, दो कॉन्सोनेंट्स का सिलेक्शन करना हमने. तो कितनी बेस से होगा, फोर सी टू, राइट. आफ्टर दैट जब फाइव लेटर्स हमारे सिलेक्ट हो गए उनका अरेंजमेंट करना है हमने. दैट मीन्स फाइव बी फाइव, ठीक है. इसको अच्छे से समझ लीजिए बेटा, इसको वेगली नहीं करना. फोर वॉवल्स फोर कॉन्सोनेंट्स थे लेकिन हमने वर्ड बनाने हैं थ्री वॉवल टू कॉन्सोनेंट से. तो पहले सिलेक्शन करना पड़ेगा फिर अरेंजमेंट करना पड़ेगा. फोर में से थ्री वॉवल फोर सी थ्री वेज से, फोर में से टू कॉन्सोनेंट फोर सी टू वेज से, और देन अरेंजमेंट ऑफ फाइव लेटर्स फाइव बी फाइव से. और क्योंकि हर एक एक्टिविटी एक के बाद एक करनी है तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगाया हमने, लेकिन मल्टीप्लीकेशन, ठीक है. अब आई थिंक इसको इजिली आप कैलकुलेट कर सकते हैं. 4C3 means 4C1, ठीक है. कैलकुलेशन जिसको भी अभी तक नहीं आती बेटा वो वीडियोस अच्छे से देख ले जाके, हम इजिली इनको कैलकुलेट कर सकते हैं. और ये तो हमारा सीधा 5 फैक्टोरियल 5 पी 5. 4C1 क्या हो गया, 4 अपॉन 1. 4C2 क्या हो गया, 4 इंटू 3 अपॉन 1 इंटू 2, दैट मीन 2. और 5 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2. ओके तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं इजिली. दिस इज नथिंग बट 12, 12 जा 144, 144 इंटू 20, दैट इज 2800. ओके इतने वर्ड्स बनेंगे हमारे जब हम इन इस वर्ड के थ्री वॉवल्स और टू कॉन्सोनेंट चूज करके वर्ड्स बनाना चाहिए. ओके चलिए आई थिंक इट इज क्लियर. Yes. Next question. Find the coordinates of the points on the parabola y square is equal to 8x, whose focal distance is 4. Yes. आपसे उन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं बेटा जो इस पैराबोला पे लाई करते हैं और जिनका फोकल डिस्टेंस 4 है. फोकल डिस्टेंस मतलब फोकस से उन पॉइंट्स का डिस्टेंस, फोकस से. ओके अगर पहले आपको फिगर से रिकॉल करवा दूं बेटा, देखिए ये पैराबोला आपका y square is equal to 8x इस टाइप का होगा. ये सपोज फोकस है इसका. आपको वो पॉइंट फाइंड आउट करने हैं b जिनका ये फोकल डिस्टेंस मतलब फोकस से डिस्टेंस 4 यूनिट्स है.
4 यूनिट्स हैं। एक आपकी नॉलेज के लिए, अभी कैलकुलेट तो होगा ही बट नॉलेज के लिए आपके बता दूं बेटा, क्योंकि सिमेट्रिकल होता है कर्व, तो एक पॉइंट आपका यहाँ होगा, एक पॉइंट यहाँ पर भी ऐसा आएगा जिससे डिस्टेंस 4 यूनिट होगा। ओके तो आपको पहले इसका हम फोकस कैलकुलेट करें बेटा। जस्ट रिकॉल वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 8x है, दैट मीन्स जिसको आप 4 इंटू 2 इंटू x लिख सकते हैं। दैट मीन्स अगर कंपेयर करें आप 4ax से तो a क्या होने वाला है 2। ठीक है, दैट मीन्स फोकस ऑफ दिस पैराबोला इज व्हाट, फोकस क्या होगा, मैंने चलिए इसे फिगर में ए नाम दिया तो मैं ए दे देती हूँ, अदरवाइज फोकस को हम एस से नाम दे देते। ए ए जीरो, ए जीरो फोकस होता था पैराबोला का, तो वो यहाँ पर हो गया बेटा 2 0 2 0। ठीक है, आप पॉइंट्स मान लेते हैं, लेट रिक्वायर्ड पॉइंट्स चलिए हम मान लेते हैं पी क्यू। तो डेफिनेटली बेटा पी क्यू जो होगा वो पैराबोला पर लाई करेगा, पैराबोला पर लाई करेगा तो क्यू स्क्वेयर इक्वल टू 8p होगा, राइट, सेटिस्फाई करेगा ना उसको, पैराबोला पे है। ऑल्सो अब चलिए इसको हम बी नाम दे देते हैं, तो ए बी हमें दे रखा है 4 है, फोकल डिस्टेंस 4 है, ए बी 4 दे रखा है, दैट मीन्स ए बी स्क्वेयर विल बी 16। डिस्टेंस फॉर्मूला में स्क्वेयर रूट अवॉइड करने के लिए हम स्क्वेयर कर लेते हैं हर बारी, तो ये क्या हो गया बेटा q माइनस 0 होल स्क्वेयर, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर रही हूँ, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस q माइनस 0 होल स्क्वेयर प्लस p माइनस 2 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 16। ठीक है, और इसको अगर हम देखें q स्क्वेयर प्लस p स्क्वेयर माइनस 4p प्लस 4 इज इक्वल टू 16, क्यू स्क्वेयर पी 8p है बेटा, इसको यूज करें हम, दिस विल बी 8p प्लस पी स्क्वेयर माइनस 4p प्लस 4, एक क्वाड्रेटिक आ गई आपके पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस विल बी पी स्क्वेयर प्लस 4p माइनस 12 इज इक्वल टू 0, पी स्क्वेयर प्लस 4p माइनस 12 इज इक्वल टू 0, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लीजिए बेटा। चलिए लेट अस मूव, पी स्क्वेयर प्लस 4p माइनस 12 था बेटा, इजिली फैक्टर कर सकते हैं इसके, दिस विल बी पी स्क्वेयर प्लस 6p माइनस 2p माइनस 12 इज इक्वल टू 0, राइट, यस, पी माइनस 2 एंड पी प्लस 6, 2 फैक्टर आपके हो जाएंगे, और इससे अगर हम देखें पी इज इक्वल टू 2 एंड पी इज इक्वल टू माइनस 6, राइट right? अब एक चीज रिकॉल करें बेटा, क्यू स्क्वेयर हमारा 8p है, क्यू स्क्वेयर 8p है, क्यू स्क्वेयर है, ठीक है, दैट मीन्स अगर चलिए यहां लिखती हूं मैं, इफ पी इज इक्वल टू 2 क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 16, राइट, दैट मीन्स क्यू विल बी प्लस माइनस 4, राइट, दैट मीन्स पॉइंट्स विल बी पी क्यू, हमने पॉइंट लिए थे बेटा बी, तो 2 4 एंड 2 माइनस 4 आपको बोला था 2 पॉइंट्स आएंगे, ठीक है, लेकिन अभी पी इज इक्वल टू माइनस 6 है, कंप्लीट करना है बेटा, इफ पी इज इक्वल टू माइनस 6 क्यू स्क्वेयर विल बी माइनस 8p, 8 6 48, बट माइनस क्या क्यू स्क्वेयर नेगेटिव पॉसिबल है बेटा, क्यू स्क्वेयर नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, तो ये रिजेक्ट होगा, ठीक है, ये रिजेक्ट होगा, तो रिक्वायर्ड पॉइंट आपके पास 2 आ गए, 2 4 एंड 2 माइनस 4। ओके, हमेशा आपकी ऑप्शंस आ रही हैं तो सिर्फ उन्हें ऐसे ही मत छोड़ दीजिए, मेंशन करिए बिल्कुल आपकी ये ऑप्शन रिजेक्ट हो रही है क्योंकि क्यू स्क्वेयर नेगेटिव नहीं। ओके चलिए, ये 2 पॉइंट हमारे रिक्वायर्ड पॉइंट्स हो गए, आई थिंक गुड क्वेश्चन। चलिए, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ ई पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस एक्स पावर एन इंटू कॉस एक्स। यस, एक्स के विद रिस्पेक्ट आपने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है बेटा, और आप देख रहे हैं अलजेब्रा यूज हो रहा है, सम फंक्शन देन प्रोडक्ट फंक्शन भी,
ठीक है, प्रोडक्ट फंक्शन भी। तो आई थिंक दो अलजेब्रा के रिजल्ट यूज करने हैं, बट बिल्कुल कर सकते हैं आप। वाई इसको टू पीसफुली करिए वन बाय वन इजिली, कोई घबराने की जरूरत नहीं है बेटा कभी भी, ठीक है। डी वाई बाय डी एक्स क्या होगा, आप सबसे पहले सम का फॉर्मूला यूज करें अलजेब्रा, तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, ठीक है, और दोनों में आप प्रोडक्ट रूल यूज करें, प्रोडक्ट रूल। अब प्रोडक्ट रूल फर्स्ट में यूज करेंगे ई एक्स एज सच साइन एक्स का डेरिवेटिव, ओके। मैं अभी आपको लिख के देती हूँ बेटा पूरा ही रिजल्ट, बट आप बिल्कुल ये माइंड में कैलकुलेशन करके यहाँ पर एग्जैक्ट डेरिवेटिव पुट कर सकते हैं, आई मीन जो हम नेक्स्ट स्टेप लिखने लगे हैं वो सीधा आप कर सकते हैं, प्लस ई एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स एज सच, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट डेरिवेटिव, इसको मैं ब्रैकेट में रख देती हूँ ताकि आप समझ सके जब देखें अच्छे से। अब सेकेंड इसका डेरिवेटिव अगेन प्रोडक्ट रूल लगाना बेटा, एक फंक्शन ये दूसरा फंक्शन ये, एक्स पावर एन एस सच डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स एस सच डेरिवेटिव ऑफ एक्स पावर एन, ओके। सभी डेरिवेटिव आई होप आपको ध्यान है, नहीं तो वो भी रिवाइज करिए अच्छे से बेटा। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, ओके, और एक्स पावर एन का डेरिवेटिव बेटा एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन, ओके। बस इसे लिख दीजिए, आप ये कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। फर्स्ट टू में ई एक्स है तो आप कॉमन ले सकते हैं, यहां से कॉस एक्स आ जाएगा, नेक्स्ट से साइन एक्स आ जाएगा, और आपके नेक्स्ट में भी एक्स पावर एन माइनस वन कॉमन ले सकते हैं आप, बिल्कुल आप कॉमन ले लें। तो ये हो गया माइनस एक्स साइन एक्स प्लस एन कॉस एक्स, ना भी कॉमन लेंगे एस सच पे लिखेंगे तो बिल्कुल चलेगा, तो जिस भी तरीके में आप कॉन्फिडेंट हैं वो करें, ओके। बट इजी टू कैलकुलेट, लंबा देख के घबराइए मत, आपके मिसलेनियस में भी ऐसे क्वेश्चन थे, आपने किए होंगे प्रैक्टिस वो भी, ठीक है, अलजेब्रा ही यूज हो रहा है। चलो यस, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। फोर कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग थ्री डायमंड्स एंड वन स्पेड, थ्री डायमंड्स एंड वन स्पेड। आई थिंक सबको ध्यान है बेटा, कार्ड्स में 50 पैक में 52 कार्ड्स होते हैं, बट डायमंड्स 13 है, ठीक है, और स्पेड्स भी 13 है, हर सूट आपका 13 कार्ड्स का है, ठीक है। आई थिंक सिंपल टू गेट दिस, आपको प्रोबेबिलिटी पूछी है फोर कार्ड चूज करने की जिनमें से थ्री डायमंड के होंगे और वन स्पेड का होगा, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी लिखती हूं मैं सीधा। टोटल केसेस, टोटल केसेस क्या होंगे, 52 में से फोर कार्ड सिलेक्ट हो रहे हैं तो वो टोटल केसेस डेनोमिनेटर में, ठीक है। अब फेवरेबल केसेस, 13 डायमंड में से 3 डायमंड सिलेक्ट हो रहे हैं और 13 स्पेड में से 1 स्पेड सिलेक्ट हो रहा है, ओके। ये आपकी प्रोबेबिलिटी है, बिल्कुल आप कॉम्बिनेशन के टर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं। फेवरेबल केसेस 13c3 इंटू 13c1 और टोटल केसेस 52c4, बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए बेटा जो आपको तरीका सिखाया हुआ, बिल्कुल 13 इंटू 12 इंटू 11, 1 इंटू 2 इंटू 3, और नेक्स्ट हो गया 13 अपॉन 1, और 52c4 आपने डेनोमिनेटर में लिखना है, ओके, 1 बाय 52 इंटू 51 इंटू 50 इंटू 49, बिल्कुल मैं ये जो डेनोमिनेटर में लिखना है ऊपर लिखने वाली हूँ बेटा, 1 इंटू 2 इंटू 3, 1 इंटू 2 इंटू 3 सीधा कट गया आपका, 13 फोरजा 52, ओके, और ये हो गया 4 कटता है इससे, 4 काट दीजिए, ये कट जाएगा बेटे 3 4 12 और 3 1 3 3 7 21,
और कट जाएगा टू से, टू टू जो 4 25, और यस बस आप कैलकुलेट कर लीजिए, दिस इज 143 इंटू 286। आई थिंक और भी कुछ कर सकते हैं क्या? नो, बाकी भी आप इजिली मल्टीप्लाई कर सकते हैं बेटा। 17 इंटू 25 इंटू 49 हमने कैलकुलेट करना है, 17 इंटू 25 इज 25, 7 जा 175, 25 ones are 25 and this will be 42. 425 in 49 इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 95s are 92s are 18, 22, 94s are 36, 36 and 238, 45s are 20, 42s are 8, 10. 16, 17. So this will be 5 2 8 0 2 2 0 8 2 5 2 0 8 2 5. I think this will be the answer. Or कुछ cancel नहीं होता हम देख चुके. Okay. So that's all for the day, बेटा. Section A discuss कर लिया हमने. Section B next time discuss करेंगे.